कांटी प्रखंड क्षेत्र के रेपुरा चक भरकुरवा स्थित चित्री ब्रह्म स्थान पर अगले वर्ष 2025 में 30 मार्च से 7 अप्रैल तक होने वाले श्री सतचंडी महायज्ञ एवं श्री राम कथा निर्मित महायज्ञ का ध्वजारोहण स नगर भ्रमण आज यज्ञ स्थल से निकाला गया। यज्ञ आचार्य डॉक्टर ऋषिकेश उपाध्याय ने ग्रामीणों के साथ ब्रह्म बाबा का पूजा अर्चना किया। सभी ग्रामीणों को ललाट पर चंदन का लेप लगाकर यज्ञ कमेटी के सदस्यों एवं ग्रामीण द्वारा आचार्यों का पैर पूजन कर भक्ति नारों के साथ आदर भाव के साथ रथ पर विराजमान कराया गया। फिर हाथ में ध्वजा फताका लिए ग्रामीण नगर भ्रमण पर निकले। गाजे बाजे और घोड़े के साथ निकाली गई शोभा यात्रा लोगों को आकर्षित कर रही थी। जगह लोगों ने शोभा यात्रा का स्वागत किया और फूल बरसाए। इस अवसर पर आसपास के दर्जनों गांवों का परिक्रमा किया गया। शोभा यात्रा में जय श्री राम जय माँ अम्बे की जयघोष से इलाका गूंज उठा। इस अवसर पर मुख्य रूप से यदु नंदन ठाकुर, सुराम ठाकुर, चंदन ठाकुर, संजय ठाकुर, रामचंद्र चौधरी, विनय चौधरी, मुन्ना चौधरी, मुखिया मुकुंद कुमार, दीपू मिश्रा, गोल्डन पासवान सहित सैकड़ों भक्त उपस्थित थे। आगामी 2025 में जो श्री श्री 108 सतचंडी महायज्ञ होने वाला है, उसी के आलोक में, उसी के निमित्त आज 12 नवंबर 2024 को देवउठनी एकादशी के दिन यहाँ पर ध्वजारोहण का कार्यक्रम रखा गया है। इस कार्यक्रम में नगर भ्रमण का भी है, जिसमें लगभग 15 पंचायत को कवर करने, यानी कि 80 गांवों के लगभग में जो कवर करने का हम लोग मैंने विचार रखे हैं, नगर भ्रमण उसमें करना है। और नगर भ्रमण करके लोगों में सनातन के प्रति हम लोग जन जागरण करेंगे, सनातन के प्रति, अपने धर्म के प्रति उनमें आस्था बढ़ाने का काम करेंगे। इसके तहत आज हमारे आचार्य डॉक्टर ऋषिकेश उपाध्याय जी भी यहाँ पर उपस्थित हैं। उन्हीं के माध्यम से यहाँ टोटल विधि व्यवस्था रखा गया है। और शाम में जब यहाँ नगर भ्रमण होकर के शाम में यहाँ पर आवेंगे तो यहाँ पर मैंने भंडारा का भी आयोजन है, जो सभी लोग भक्त लोग जो भंडारा में हैं, मैंने नगर भ्रमण में हैं, उनके भंडारा का आयोजन है, वो भंडारा में भी सम्मिलित होंगे। यज्ञ 30 मार्च 2025 से लेकर 7 अप्रैल 2025 तक है, जिसमें 30 मार्च को कलश यात्रा के साथ यज्ञ प्रारंभ होगा, 4 अप्रैल को गंगा आरती है और 7 अप्रैल को 101 बरुआ का उपनयन है, और उपनयन के साथ ही जो जन्म मैंने यज्ञ का कार्यक्रम है वो समाप्त हो जाएगा। कथावाचक भी आ रहे हैं जी, कथावाचक श्री मनीष माधव जी महाराज के मुखारविंद से श्रीराम कथा का भी आयोजन है, झूला का भी आयोजन है, नाच गाना का भी आयोजन है, यानी कि मनोरंजन का पूर्ण साधन है यहाँ पर उपस्थित रहेगा। क्या कुछ अपील रहेगी? हाँ, जनता से हम अपील करते हैं कि वो स्वतंत्र होकर के बिना किसी मन में भय के, बिना किसी द्वेष के इस यज्ञ में आवे और यज्ञ में सहभागी होकर के पुण्य के भागी बने। उन्हें किसी भी प्रकार का यहाँ पर आने में कोई ना कोई कष्ट होगा, ना यहाँ से जाने में उनका कष्ट होगा, उसकी सारी विधि व्यवस्था हम लोग रखे हुए हैं ताकि उन्हें आने जाने में, यज्ञ में सम्मिलित होने में ना कोई किसी प्रकार का भय का सामना करना पड़े। सतचंडी यज्ञ हो रहा है, 108 श्री 108 सतचंडी यज्ञ, उसका ध्वजारोहण का कार्यक्रम है आज यहाँ पर, जो हम लोग नगर भ्रमण करेंगे, उसके बाद 2001 का प्रोग्राम होगा और जो लोग हैं उनको प्रसाद देकर यहाँ से विदा किया जाएगा। क्या कुछ विधि व्यवस्था बनाई गई है यहाँ पर? जो भी होना चाहिए यज्ञ में, घोड़ा की व्यवस्था है, रथ की व्यवस्था है, गाड़ी है, घोड़ा है, ब्राह्मण लोग हैं, जो भी सुविधा होना चाहिए सारे सुविधा हम लोग यहाँ मुहैया कराए हैं, व्यवस्था किए हैं अपने तरफ से। यज्ञ 30 मार्च से होना है, यज्ञ 30 मार्च से 7 अप्रैल तक सम्पन्न होगा। कल्याणार्थ महायज्ञ किया जाता है और भाग्योदयेन बहुजन्म पुण्यम समर्जितेन, जब बहुत जन्मों का पुण्य एक साथ जब जुटता है तो महायज्ञ कहीं होता है। आज रिपुरा गांव में महायज्ञ के निमित्त ध्वजारोहण होने जा रहा है और मेरे लिए और भी सौभाग्य की बात है कि यह मेरी जन्मभूमि भी है।
तो जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। तो जन्मभूमि स्वर्ग से भी श्रेष्ठ है। तो मैं कितना भाग्यशाली हूँ कि मैंने यहाँ पे जन्म लिया, जहाँ पे मैं पला बढ़ा, जहाँ पे हर प्रकार से लोगों ने मुझे देखा और उसके बाद आज आचार्य के रूप में मुझे स्वीकार किया। ये मेरे लिए खुद में एक सौभाग्य की बात है। जो आगामी वर्ष में महायज्ञ होने वाला है 30 मार्च से 7 अप्रैल तक, उसके लिए आज ध्वजारोहण और नगर भ्रमण रखा गया है। जो नगर भ्रमण यहाँ से होते हुए लगभग 10-20 गांवों से होते हुए पुनः यज्ञ स्थल पर आएगा, तो यह चारों तरफ के लोगों को जन जागरण करना इसका मुख्य उद्देश्य है। ध्वजारोहण किसी भी यज्ञ से पूर्व किया जाता है, यज्ञ करने के संकल्प के लिए उद्देश्य से हम ध्वजारोहण करते हैं। नहीं, इंद्रध्वज यज्ञ पताका उसका नाम होता है, जो 5 रंगों का होता है, उजला, पीला, लाल, काला और हरा। इन 5 रंगों से मिलकर के इंद्रध्वज का निर्माण होता है और उसी को आज हम ध्वजारोहण करके और संकल्प करते हैं कि हम यज्ञ करेंगे। हमारा यज्ञ का संकल्प आज से ही होगा। आरो के सीजन शुरू होते ही खुल गया खुशियों का पिटारा। आनंद इंटरप्राइजेज थाना रोड कांटी। अगर आप घर ऑफिस कहीं भी प्लाई एंड हार्डवेयर इस्तेमाल करने वाले हैं तो चले आइए प्लाई के ऑथोराइज डीलर आनंद इंटरप्राइजेज, जहां नोरेलैक पेंट पर बम्पर ऑफर चल रहा है, जहां मिलेगी हार्डवेयर की सभी सामान। एक बार सेवा का मौका जरूर दे। सब्सक्राइब करें हमारा चैनल प्रकाश जोश लाइव और दबाए बेल आइकन हमारे खबर सबसे पहले देखने के लिए।